Hello friends, I am Nishant Kumar here to discuss about the basic electricity from the subject basic science and engineering drawing of RRB ALP and technician. हाँ जी दोस्तों, तो RRB ALP technician का जो basic science and engineering drawing जो आपका syllabus है उस part का मैं basic electricity करा रहा हूँ। ये आपको electronics वाले branch के लिए भी important है और electrical वाले branch के लिए भी important है, और जो मैं इसमें sale वाला कराऊंगा वो all trade के लिए necessary है। और आज मैं कुछ electrical के कुछ questions कराऊंगा, वो numerical भी, तो उसको भी प्लीज देख लीजिए। और कुछ दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर आप वीडियो में को थोड़ा एडिट उडिट करके भेजिए। देखिए, मैं वीडियो को एडिट करने में जो समय बर्बाद करूंगा उससे अच्छा है कि मैं एक वीडियो बना दूँ जल्द से जल्द। तो मैं इसलिए मैं वीडियो एडिटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग भी ध्यान ना दें। और इको नहीं होना चाहिए, नॉइज़ नहीं होना चाहिए वीडियो में, ये बात सही है। पढ़ने के लिए हमें बस सफिशियंट होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बात की जाए तो इससे पहले हमने रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल किया है, आप अगर इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए उन वीडियो को देखें। और अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। आप अगर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले इलेक्ट्रिकल वाले फोल्डर जाकर देख लें, मैंने इलेक्ट्रिकल के प्ले लिस्ट बना रखे हैं, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो और ये मैं बता दूँ कि मेरा बुक जो है, ये मैं बुक का डिस्कस कर रहा हूँ, इस बुक को डिस्कस करते हुए कुछ मैं न्यूमेरिकल्स लेता हूँ, और न्यूमेरिकल्स लेता हूँ तो उपकार और स्पार्क पब्लिकेशन से ही लेता हूँ, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप उपकार पब्लिकेशन के और जो स्पार्क पब्लिकेशन है, उपकार आपको इंग्लिश वालों के लिए मिल जाता है और हिंदी वालों को दोनों के लिए मिल जाता है, और स्पार्क पब्लिकेशन केवल हिंदी वालों को मिलता है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाएं आप बुक खरीदें, और ये प्लेटफॉर्म की जो बुक है आप उसको भी खरीद सकते हैं और वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बुक में लास्ट में जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप कर सकते हैं। बात की जाए तो हमने इससे पहले किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ यानी KCL और KVL दोनों पढ़ रखा था हमने लास्ट क्लास में। थोड़ा ये कि एक जो न्यूमेरिकल था हमने उस पर आपको मैं KVL और KCL रूप लगाना सिखा रहा था जी। तो हमने KCL सीख लिया था, KVL सीख लिया था। इससे पहले बहुत सारे मेरे लेक्चर हैं, आपको स्पीड एंड वेलोसिटी, मास डेंसिटी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वो जो है सब आप प्लीज़ वो सब लेक्चर जाके देखिए, और इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको ये सब लेक्चर समझ में आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप वो जाकर देख लें। बात की जाए तो अगला बात की जाए तो ये मेरा क्या है जी, ये मेरा एक सर्किट है, ये R1 है, रेजिस्टेंस R1 है, इसके क्रॉस जो करंट जा रहा है I1 जा रहा है। ये रेजिस्टर क्या है जी, R2 है, इसके क्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है क्या हो जाए जी, I2 है। ये रेजिस्टेंस क्या है, R3 है, इसके क्रॉस करंट क्या जा रहा है जी, R3 जा रहा है। ये क्या है जी सर्किट, ये R4 है, रजिस्टर R4 है, इसके करंट जा रहा है I4। ये करंट जो है, एक रजिस्टर R5 है, इसके क्रॉस करंट क्या फ्लो हो रहा है जी, I5। ये क्या है, ये एक बैटरी है। देखिए मैं बताना चाहूँगा जिन बच्चों को भी ये नहीं समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना दे रहा हूँ। देखिए ऐसा बनाया गया है, ठीक है जी। हमको कोई भी सर्किट, अगर देखिए मान लीजिए एक सर्किट ले लेते हैं, हमने एक रेजिस्टेंस R1 ले लिया, एक R2 ले लिया, और मान लीजिए एक रेजिस्टेंस R3 ले लिया, इसके क्रॉस हमने एक वोल्टेज लगा रखा है जी। ये क्या चीज़ का सिंबल है, सिंबल आपको पढ़ना भी है, सिंबल क्या चीज का है जी, तो बैटरी का है, बैटरी या सेल भी लिखा हो सकता है जी। क्या जी, बैटरी। आपको पता होना चाहिए कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी हमें पढ़ना है, इसलिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रजिस्टर का सिंबल है तो रजिस्टर आपको याद रखना पड़ेगा, कोई जरूरी है, क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट एंड डायमेंशन, ये सब चैप्टर भी आपको क्या है CBT 1 में इंक्लूडेड है, तो प्लीज़ आप इस सब बात को भी ध्यान दें। तो अगर बात करूँ मैं इसमें KVL लगाने के लिए, देखिए तो मैं क्या करूँगा जी, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। हमको KVL लगाने के लिए किरचॉफ का सेकंड लॉ जो था, KVL था, लूप लॉ बोलता था, किरचॉफ के द्वितीय नियम था जो हमको उसको सीखना है जी। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चलेंगे जी। तो क्या है ये मेरा, क्या है यहाँ से हम जाएंगे तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल क्या है जी, ई है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई बढ़ा तो प्लस ई लिखेंगे। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखो करंट क्या होता है जी, रजिस्टर के क्रॉस क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्योंकि हम मान रहे हैं करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसा है, हमने मान रखा है करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज रजिस्टर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, तो क्या करेगा, माइनस करेगा, माइनस IR3। यही करंट इसमें भी जाएगा, माइनस IR1, माइनस IR2, तो क्या हो गया, माइनस
देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, ई प्लस ई आ गया, माइनस आई आर थ्री। अगर इसके क्रॉस वोल्टेज लेना है तो वोल्टेज क्या होगा जी, किसी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ जानते हैं। तो हमको वी थ्री इसके निकालना है, तो आई थ्री इसके क्रॉस आई करंट जा रहा है और आर थ्री तो हमने ये लिखा, ये जो है इसके क्रॉस है आई आई करंट जा रहा है, वही करंट तो जाएगा आई वन आर वन माइनस आई आर टू, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। तो हमने क्या हुआ, अब फिर से यहीं पे आ गए तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ से अगर हमको आई निकालना है तो आई कैसे निकाल सकते हैं, ई बराबर उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई सब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो गया। तो अब यहाँ से आई बराबर हम सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ई बट्टा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, क्या आ जाएगा जी, ई बराबर हमको क्या मिला, सॉरी आई बराबर ई अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो हमने यहाँ से आई का वैल्यू निकाल लिया। ऐसे ही हमको सर्किट दिया रहेगा, बहुत सारे सर्किट दिया रहेगा, हमको उसको केवीएल और केसीएल लगाना है जी। अगर हम बात करें तो केसीएल में हमने क्या पढ़ा था जी, प्रीवियस लेक्चर में जाइए, क्या पढ़ा था हमने, जो करंट सबका करंट का सम क्या होता है एक पॉइंट पे जीरो होता है, या आने वाला करंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आने वाला करंट है जी, इस पॉइंट पे ये करंट आ रहा है, इस पॉइंट पे करंट आ रहा है, ये करंट जा रहा है, तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है, तो ये तीनों का सम क्या होगा, इस तीनों का सम इसके बराबर होगा। ठीक है जी, हमने ये केसीएल में पढ़ा था, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में पढ़ा था। आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज जाएं और वहां पे देखें। आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं कुछ, तो अब बढ़ते हैं जी यहाँ पे। तो हमें कुछ पॉइंट नोट करने थे इसमें। तो देखिए केवीएल विद्युत से विद्युत परिपथ के हल करने की विधि होती है, बात की जाए तो बैटरी में प्लस से माइनस की ओर चलते हैं। देखिए जी जब बैटरी में हमने प्लस से, देखिए हमने यहाँ माइनस से प्लस चला था तो क्या किया जी, प्लस लिया था। अगर मान लीजिए इधर प्लस इधर है, प्लस से माइनस जाते तो क्या लिखते हैं, तो बोला है प्लस से माइनस की ओर चलते हैं तो बैटरी की वोल्टेज को निगेटिव लिखते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ चले तो माइनस से प्लस चले तो प्लस लिखे, अगर प्लस से माइनस जाएंगे तो घटेगा ना जी, प्लस माइनस जाएंगे तो घटेगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस। तो यही बोल रहा है बैटरी से प्लस की माइनस की ओर चलते हैं तो बैटरी को वोल्टेज ऋणात्मक लेते हैं, अगर बैटरी में माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो वोल्टेज धनात्मक लेते हैं जी। अगर माइनस से प्लस चलेंगे, जैसे यहाँ माइनस है ये प्लस है, तो चलेंगे तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। देखो कुल मिला के बात याद करना है कि यहाँ से यहाँ वोल्टेज क्या होगा जी, बढ़ेगा, क्योंकि ये लो है या हाई है। अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो घटेगा तो माइनस लेंगे। रजिस्टर के अक्रॉस हमेशा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि क्या करता है रजिस्टर, हमेशा वोल्टेज कंज्यूम करता है। कुछ बच्चे ये भी कमेंट करते थे सर आप बुक देख के पढ़ा रहे, तो मैं बात बता देना चाह रहा हूँ भाई, बुक मैं रेफरेंस के लिए आया हूँ, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं बुक केवल हिंट्स के लिए है। मैं जो अपने पास से जो ज़्यादा बता देता हूँ बुक से ज़्यादा ही है, और मैं कुछ न्यूमेरिकल भी कराता हूँ, आप देख लीजिए प्रीवियस लेक्चर, आपको खुद पता चल जाएगा। अब ई बुक जो है इससे ज़्यादा मैं बहुत कुछ बता देता हूँ। बात की जाए परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में चलते वक्त, विद्युत धारा की दिशा में, देखिए अब इसमें विद्युत धारा की दिशा में चल रहा हूँ तो क्या होगा जी, जब धारा की दिशा में चलेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, तो वोल्टेज क्या होगा, माइनस लेंगे। तो बोला विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध के परितः वोल्टेज माइनस लेते हैं, क्या लेते हैं जी, माइनस लेते हैं। यही बात हमको ध्यान रखना है, क्या है जी, ध्यान रखना, सॉरी ये थोड़ा सा वीडियो ज्यादा ही जूम हो गया, थोड़ा इसको मैं थोड़ा कम कर दूं। हाँ तो आप देख सकते हैं, नहीं सोलह, एक मिनट, हाँ तो आप देख सकते हैं क्या पढ़ रहे थे, परिपथ में विद्युत की धारा की दिशा में चलते हैं तो परिपथ में परिता वोल्टेज निगेटिव लेते हैं जी, धारा की दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, निगेटिव लेंगे। धारा के देखिए धारा की दिशा में चल रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, निगेटिव लिए हैं, तो माइनस आई आर थ्री लिए हैं, माइनस आई वन आर आर वन लिए हैं, माइनस आई वन आर टू लिए हैं, देखिए धारा की दिशा में गई इसलिए माइनस लिए हैं। ठीक है, इनसे छोटी छोटी बातें इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो बोल रहा है कि एक 12 वोल्ट ईएमएफ और 1 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी का उपयोग एक 10 ईएमएफ और 1 आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी में चार्ज करने में होता है। बोल रहा है एक जो 12 वोल्ट का है, क्या है जी, एक 12 वोल्ट का ईएमएफ का एक बैटरी है यहाँ बोल रहा है, और 1 ओम का आंतरिक, इसका आंतरिक ओम है, इसको आप मान लीजिए कि एक मेरा क्या है जी, ये वोल्ट उसका ईएमएफ है और एक आंतरिक, इतना मेरा बैटरी है। ठीक है, प्रतिरोध वाली बैटरी का उपयोग एक 10 वोल्ट 10 वोल्ट और आंतरिक ओम 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को चार्ज करने में होता है, तो परिपथ में धारा बताना जी। देखिए ये मेरा बैटरी है, ये चार्ज करने वाला, ये क्या है, चार्जिंग हो रहा है, तो इसको हमको बताना है कि इसमें जो करंट फ्लो होगा, अब वो चार्ज करेंगे तो करंट फ्लो होगा, चार्ज से ही होगा, तो उस चार्ज को बताइए जी, चार्ज क्या है। ठीक है,
तो देखिए इसको हमको लगाना पड़ेगा केवीएल। अभी हम केवीएल पढ़े हैं, वहीं केवीएल लगाएंगे जी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, हमको ऑप्शन आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए कुछ लड़के पीडीएफ का भी रिक्वेस्ट कर रहे थे। देखिए मैं पीडीएफ नहीं दे सकता क्योंकि जी आपको अगर स्क्रीनशॉट इसी का इसी अगर आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें तो बहुत अच्छा होगा मेरे हिसाब से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से जी, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा जी, प्लस 12 वोल्ट ये हुआ, -10 वोल्ट। मान लीजिए इसमें करंट क्या हो रहा है जी, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, इसमें जो माना रहा है हम वही मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस आई इंटू कितना ओम, 1 ओम। माइनस आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा जी, ये भी करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है तो करंट के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रजिस्टर में हमेशा क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो माइनस आई इंटू 1 ओम ये भी है, तो अब फिर से उसी पॉइंट पे आ गया तो क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखिए 12 -10 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस आई बराबर 0, तो 2 बराबर 2 आई, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 2/2। 2/2 क्या हो जाएगी, यानी आई की वैल्यू 1। 1 1 क्या है जी, करंट है, तो इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर यूनिट होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो आपको आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा जी, यहाँ पे वो आ गया है। चलिए हमने एक पहला एक छोटा सा क्वेश्चन सीखा था हमने केवीएल लगाने के लिए, ठीक है जी। अब एक नोट है यहाँ पे, देखिए जो अगर कहीं पे भी दो चार वायर आके मिलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं जी, नोड बोलते हैं, नोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गांठ बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं जी, गांठ बोलते हैं। बोल रहा है एक जंक्शन होता है जहां दो या दो से अधिक शाखाएं जुड़ी होती है। जब दो या दो से अधिक वायर आता है जी, ठीक है, दो लेकिन एटलीस्ट दो होनी चाहिए, उससे ज्यादा आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे जी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए और कुछ बात की जाए। अब ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट, देखिए ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है जी, खुली परिपथ। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, खुली परिपथ। अगर बात कीजिए, देखिए यहाँ पे मैंने वोल्टेज बैटरी तो जोड़ा है लेकिन ये क्या है, कहीं सर्किट कंप्लीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या है, ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे ओपन सर्किट में क्या है जी, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा क्या होगा, वी होगा, ठीक है जी। तो अब देखिए इसमें करंट नहीं जा रहा है, अब देखिए करंट इसमें नहीं जा रहा है, अगर वी बराबर आई है तो आई को अगर 0 रखेंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन ओपन सर्किट में अगर बात की जाए वोल्टेज क्या होता है जी, तो इन्फिनिटी होता है। सॉरी देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आर बराबर वी बाई आई। अब मान लीजिए इसको हम ऐसे लिखें, वी आई को मैंने 0 किया तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस हो गया। मैंने ओपन सर्किट में क्या होता है जी, रेजिस्टर, रेजिस्टर की वैल्यू क्या होती है, तो इन्फिनिटी होती है। तो खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान 0 होता है, खुला परिपथ में वोल्टेज का मान 0 नहीं होता है, वोल्टेज का मान 0 नहीं होता, किसका मान 0 होता है, तो रजिस्टर का मान, विद्युत खुला परिपथ है जी, परिपथ क्या है जी, खुला है तो करंट तो नहीं पास हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक खुला परिपथ में वोल्टेज का मान 0 नहीं है, वोल्टेज क्या है जी, ये जो वोल्टेज यहाँ पे वही वोल्टेज तो यहाँ पे भी है, तो वोल्टेज 0 नहीं होगा। खुला परिपथ में प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अभी हमने निकाला क्या है जी, इन्फिनिटी भी अनंत होता है, ठीक है। बात की जाए एक कुलाम कितना बराबर होता है जी, तो एक कुलाम जो होता है आपको 6.25 × 10⁻¹ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। देखिए अगर बात की जाए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मान लिया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है ई, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो मिलकर एक कूलम बना रहे हैं, एक कूलम, तो एक इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 1 कूलम होना चाहिए। तो 1 कूलम देखो, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है जी, और n इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻¹⁹। इसको सॉल्व कीजिएगा आपको तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। तो यानी 6.25 इलेक्ट्रॉन जब मिलकर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 कूलम चार्ज क्रिएट होगा जी। तो वहीं 1 फेराड बराबर क्या होता है, 9650 कूलम होता है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये जो आपको आया है 6.25 ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो प्लीज ऐसे सतर्क रहें और ये टॉपिक आप खुद याद कर लें, ये पॉइंट आपको खुद समझने की जरूरत है कि क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है। ये बता दूंगा आपको, ये मेरिट बेटर स्कोर है, तो प्लीज इसमें आप लापरवाही न बरतें, इसको ध्यान से पढ़ें। बात करें घरों की व्यय विद्युत ऊर्जा में माप, देखिए जी
जब घर की जो हम लोग मेजर करते हैं आपसे घर पे क्या आता है, बिजली आता है, तो उसको क्या बोलते हैं जी? आप यूनिट बोलते हैं, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट बोलते हैं, उसका पूरा नाम बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो बोल रहा है घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा का माप किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा यूनिट में की जाती है। अब बात की जाए तो किलो वाट घंटा यानी एनर्जी जो कंज्यूम हो रहा है क्या होता है, पावर इंटू टाइम बट्टा 1000, जहाँ टाइम किस में रखना है जी, टाइम किस में रखना है, घंटा में रखना है, और पावर किस में रखना है, तो वाट में रखना है। ये बात ध्यान रखिएगा, पावर किस में रखना है जी, वाट में रखना है। तो पावर अगर वाट में रहना है तो पावर क्या होता है, वोल्ट इंटू वी इंटू वाई होता है। पावर क्या होता है जी, बात की जाए पावर इंटू टाइम बट्टा 1000 रखना है जी, और टाइम किस में रखना है, घंटा में रखना है, पावर किस में रखना है जी, वाट में रखना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू वाई, एसआई यूनिट में रखना है, तो वी किस में होता है, वोल्ट में होता है, आई किस में होता है, एम्पियर में, टी किस में रहेगा, आवर में, बट्टा 1000। तो ये क्या आ जाएगा, यूनिट आएगा जी, क्या आएगा, यूनिट आएगा। वहीं लिखा है वोल्ट एम्पियर घंटा बट्टा 1000, क्या हो जाएगा ये हमारा विद्युत ऊर्जा का कितना खपत हुआ है, और उसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये यूनिट में आएगा, कौन सा, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट में आएगा। चलिए जी, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। तो प्लीज इस एग्जाम्पल को एकदम सीरियसली लीजिएगा, एकदम सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि आपको, मुझे जहां तक लग रहा है, इसे हमेशा पूछा जाएगा। बोला एक घर में 220 वोल्ट 40 वाट के 5 बल्ब लगे हैं जी, आपको पता है 220 वोल्ट 40 वाट के 5 बल्ब लगे हैं, बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन की दर से 30 दिन जलते हैं, बल्बों द्वारा 1 वाट 1 माह में, सॉरी 1 माह का मतलब क्या हो जाएगा, 1 माह में हम लेंगे जी 30 दिन ही लेंगे, 30 दिन लेंगे, याद रखिएगा 1 माह जैसे ही आएगा हम 30 दिन लेंगे, में व्यय की गई यूनिट की संख्या यानी कितना यूनिट खर्चा हुआ है बताना है। चलिए तो हम निकालते हैं, तो क्या होता है पावर इंटू टाइम बटा 1000, पावर किस में लेना है जी, वी इंटू आई, वी क्या है वोल्ट में, वी किस में लेना है जी, वोल्ट में लेना है। चलिए वी क्या लेना है जी, ये क्या रखा है हमको नहीं पता, क्या क्या इसने गलत कैलकुलेट कर रखा है लग रहा है, चलिए नहीं सीख है, पावर इंटू टाइम ये आवर में लेना है, क्या लेना है जी, वाट में लेना है, बट्टा 1000। तो पावर कितना है जी, 40 वाट का बोल रहा है, कितना है जी, 40 वाट का बोल रहा है, टाइम कितना है जी, देखिए अब 5 बल्ब है, एक बल्ब रखेगा तो, अगर 2 बल्ब होगा तो उसका दुगुना जलेगा ना एनर्जी, अगर 3 होगा तो 3 गुना होगा, तो 5 बल्ब लगाना है, तो 5 बल्ब के अलग से मल्टीप्लाई करेंगे जी। बात कर रहा है कि पावर कितना है, तो 40 वाट का, सॉरी 40 वाट पावर, 40 वाट है, टाइम कितना हो गया जी, तो देखिए ये 5 बल्ब तो है, लेकिन कितना घंटा प्रतिदिन क्या है, 5 घंटा जलेगा, 5 घंटा प्रतिदिन जलेगा, तो 30 दिन में कितना जलेगा जी, 30 दिन 1 माह का होता है, तो 30 दिन में इतना घंटा जलेगा, तो पावर ये टाइम हो गया, 8 मेरा टाइम है, ये मेरा क्या है जी, पावर है, ठीक है जी, अपॉन 1000, अपॉन 1000, देखिए ये मेरा पावर हो जाएगा, ये मेरा क्या है जी, टाइम है, 5 दिन है, 5 घंटा 1 दिन है, तो 30 दिन तक कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। चलिए तो 5 गुना 40 गुना 5 गुना 30 बट्टा 1000, सॉरी 1000, देखिए ये 5 क्यों आया है कि क्योंकि 5 बल्ब, ये 5 क्यों आया है कि प्रतिदिन 5 घंटा, ये क्या है महीना, 1 महीना चला, इसे 30 दिन आया, ये पावर कितना है 40 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 0 गया 5 से 2, 2 से 2, तो क्या हो जाएगा 10, 10 क्या मिला जी, यूनिट मिला हमको, तो सॉरी अब देखिए ये 3 यहाँ छूटा हुआ है, 1 मिनट सॉरी, तो 10 गुना 3 यानी 30 यूनिट होगा, सॉरी एक कैलकुलेशन एरर था, तो प्लीज़ इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन एरर कोई बात नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। तो 30 यूनिट, मैं बोलूँगा कि इसको क्वेश्चन को आप जाइए स्पार्क पब्लिकेशन, उपकार पब्लिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उसको कीजिए, ये बहुत जरूरी है करना। इसमें क्या ध्यान रखना है, टाइम आवर में होना चाहिए, पावर किस में होना चाहिए, वाट में होना चाहिए, या अगर वोल्टेज और करंट लेते हैं तो किस में होना चाहिए, वोल्टेज और एम्पियर में होना चाहिए। थैंक यू, यहाँ पे आप लोग अगर समझ गए तो आगे हम बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम लेंगे, बात की जाए तो अभी बिल्कुल, और अगले दिन हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करेंगे,
और ट्रांसफार्मर है और ये बैटरी वगैरह है, जो आपको मैं बता दूँ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिशियन के दोनों, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिशियन के दोनों को आपको सेकेंड स्टेज में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है जी? तो सेकेंड स्टेज में पढ़ना है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें कि उसको सेकेंड स्टेज के लिए, अगर कल वाला लेक्चर जो होगा आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों वालों के लिए होगा, और पार्ट सेकेंड स्टेज यानी मैंने सेकेंड स्टेज का पार्ट बी में आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें इसका। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल लेंगे जी। किस पे? तो हमने कुछ रजिस्टर पे क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में, किया था न्यूमेरिकल, कुछ कैपेसिटर पे हमने नहीं किया था। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन छांटे हैं जो आपको ये स्पार्क पब्लिकेशन का जो बुक मेरे पास है अभी देख सकते हैं, तो मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन छांट रखे हैं, उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी। तो प्लीज मेरे साथ शांति के साथ बने रहें, और हाँ जी शांति के साथ ही बने रहें, लड़की वाली शांति दिमाग में आ रही है सबके। चलो जी कोई बात नहीं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। बात की जाए तो देखिए हमने मार्क लगा रखा है, अगर आपके पास भी अगर ये बुक हो तो प्लीज जाएं, अगर नहीं है तो प्लीज़ इसी से स्क्रीन शॉट लें अपने। मैं बता दे रहा हूँ कि वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, और अगर अगर किसी वीडियो को अगर चाहें तो पॉज कर सकते हैं, या चाहें तो आप क्या कर सकते हैं जी, किसी भी वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या चाहें तो आप क्या कर सकते हैं जी, इसको प्लेयर को भी स्टॉप करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास, मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको आप को मैग्नीफाई करने से थोड़ा सा टाइम बर्बाद होता है, लेकिन चलिए। बोल रहा है नीचे दिए गए संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में चित्र एक्स का मान क्या होगा। देखिए संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है यानी यहाँ पे जो रजिस्टर है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा रखा है थ्योरी में, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप थ्योरी पढ़े उसके बाद ही समझ में आएगा। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है जी, संतुलित है। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या है जी? इसमें करंट जीरो हो जाएगा, तो ये करंट जीरो हो जाएगा तो इस रजिस्टर को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्या करते हैं जी? इस रजिस्टर को हटा देते हैं। तो जैसे ये रजिस्टर हटाएंगे तो हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा जी? हमारा सर्किट बन जाएगा, देखिए जैसे हम हटाएंगे हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा जी, ये मेरे पास, मैं इसी सर्किट को थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ जी। ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये 5 ओम का है, ये एक्स है, ये क्या है जी, ये 4 ओम का रजिस्टर है। आप देख सकते हैं हमने क्या कर रखा है, उसी को 10 ओम, 5 ओम, 1 ओम, 4 ओम ऐसा सर्किट बनाया है जी। ठीक है, हम आपको याद हो तो हमने उस दिन क्या बताया था जी, इसका और इसका गुणनफल क्या होता है जी, 10 × 4 बराबर क्या होता है, इसका गुना इसका, तो 5 × x। मैं उस दिन भी बताया था कि आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, इसका सामने वाला का मल्टीप्लाई कीजिए, ये सामने है ये सामने मल्टीप्लाई कीजिए, ये सामने मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, सामने वाला का मल्टीप्लाई करना होता है जी, और क्या करना होता है, यहीं उसको बराबर करना। तो सामने वाला 10 × 4 = 40, 5 × x 5 हो गया, तो 5 × 10 यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 8 ओम। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक्स बराबर 8 ओम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है जी, डी आंसर हो गया। तो देखिए मैं अभी सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, जिस बच्चे ने भी अगर ये नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप जाएं प्रीवियस लेक्चर को देखें, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आपको क्या हो सकती है जी, दिक्कत हो सकती है। ठीक है जी, मैं अभी डीसी पढ़ाया हूँ, अभी एसी नहीं पढ़ाया हूँ, एसी से भी न्यूमेरिकल इसमें दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है जी, बोल रहा है नीचे दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटर 2 की रीडिंग क्या होगी। देखिए बोल रहा है कि ये सर्किट है, इसमें करंट कितना जा रहा है जी, 1 एम्पियर जा रहा है। ये क्या है मेरा, पहला है वोल्ट मीटर, ये मेरा दूसरा वोल्ट मीटर है 200 मीटर, तो 1 एम्पियर के करंट वही करंट इधर पास हो जा रहा है। देखिए वोल्ट मीटर को हमने बताया था किसमें लगाते हैं जी, पैरेलल में लगाते हैं, वोल्ट मीटर पैरेलल में ही लगाते हैं, याद रखिएगा। देखिए आप यहाँ पे सर्किट में समझ सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर 1 लगा है, वोल्ट मीटर 2 लगा है, किसमें लगाया जी, पैरेलल में लगाया। यहाँ देख सकते हैं 1 और 2 किसमें लगाया, पैरेलल में लगाया। तो हमको बोल रहा है वोल्ट मीटर, मान लीजिए 2 को इसने बोला है, लेकिन मैं 1 का भी निकाल रहा हूँ और 2 का भी निकाल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को तो सीखना है जी। देखिए अगर मान लीजिए हमको इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, अभी हमने केवीएल में पढ़ा है क्या जी, वी बराबर क्या होता है आईआर, इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो इसके इस रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, तो 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। रजिस्टर कितना है जी, 100 ओम है, 100 ओम तो क्या हो जाएगा 100। तो देखिए देखिए फिर से समझिए, अगर इस सर्किट में बात किया जाए तो हमको इसके क्रॉस अगर वोल्टेज निकालना है 1 के क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, इसमें कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर, रजिस्टर कितना है जी, 100 ओम।
तो 1 एम्पेयर का करंट है 100 ओम, तो क्या हो जाएगा 100 वोल्ट हो जाएगा जी। ये क्या निकला, 1 के अक्रॉस निकाला। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरे वोल्ट मीटर के अक्रॉस यानी दूसरे के अक्रॉस निकालना है जी। हमने पहले के अक्रॉस निकाला 100 वोल्ट, कोई बात नहीं, दूसरे के अक्रॉस निकालते हैं। दूसरे के अक्रॉस भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा फॉर्मूला वी बराबर आई आर। आई क्या है जी, 1 ही एम्पियर जा रहा है उसमें भी, लेकिन रजिस्टर कितना है, 200 ओम का रजिस्टर है, 200 ओम का रजिस्टर है, तो क्या हो जाएगा 200 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूसरे वाले वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या हो जाएगा, तो 200 वोल्ट होगा जी, आंसर ई हो जाएगा। प्लीज इन सब न्यूमेरिकल को ध्यान रखिए और जाके आप स्पार्क पब्लिकेशन का उठाइए बुक। देखिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अच्छे से कवर कराऊंगा क्योंकि हमको टाइम थोड़ा चाहिए। चलिए अगला है, एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित परिपथ में प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है। देखिए ये क्या है, पैरेलल में है, ये क्या है, सीरीज में। तो मैं बता दूंगा, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि पैरेलल में है, सीरीज में है, कैसे है, तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जाएं और वहां से प्रीवियस लेक्चर में जो सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट बताया गया है, प्लीज आप वहां से जाकर ये समझ लें। देखिए बात कर जाए तो ये मेरा क्या है जी, 3 ओम का रजिस्टर है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, इसके पैरेलल में क्या है, 3 ओम का रजिस्टर है जी। चलिए तो देखिए मेरा 3 और 3 ओम क्या है जी, पैरेलल में है, 3 और 3 क्या है जी, पैरेलल में है। तो हम ये पैरेलल में है तो पैरेलल वाला का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2। इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो अक्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट बराबर 3/2 हो जाएगा। यानी हम इस रजिस्टर को हटाकर, दोनों को हटाकर क्या लिख सकते हैं जी, 3 ओम का ये रजिस्टर रहा, इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 ओम, यहाँ यहाँ। चलिए जी अब देखिए ये क्या है, सीरीज में हो गया, तो आर इक्विवेलेंट, अब सीरीज वाला फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2, सीरीज वाला 3 + 3/2 क्या हो जाएगा, 1.5 3 4.5, 4.5 कैसे लिखते हैं, 3 3 6, 3 9/2, तो 4.5 ओम का आंसर क्या हो जाएगा जी, 4.5 ओम। ठीक है, देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए 3 + 3/2 इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। यही न्यूमेरिकल रहा, आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए अपने से। मैं सभी क्वेश्चन को सजेस्ट करूंगा कि मैं जो बता रहा हूँ उससे पहले आप अपने से इसको सॉल्व करें, पहले अपने से सॉल्व करें, ठीक है जी, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, जहाँ आई बराबर धारा आई है, वी क्या है वोल्टेज, आर क्या है जी प्रतिरोध है। तो ओम्स लॉ हम जानते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, वी इजकल टू आई आर, वी इजकल टू आई आर कहाँ है, वी इजकल टू आई आर ही है, ठीक है जी, बी इक्वल टू आई आर, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा देखिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन कोई कोई बात नहीं, मैं चाहूंगा कि सब कोई मेरे साथ कोऑपरेट करें ताकि हम ये न्यूमेरिकल बना सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है जी, देखिए अगर किसी को अगर ब्लर दिखाई दे रहा होगा तो भी कोशिश करें कि मेरे साथ कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेशन में बनाएं, कोऑर्डिनेट बनाने से ही होगा जी, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप क्या करें, उस क्वेश्चन को पहले अपने से खुद से बनाएं, उसके बाद मैं उसको बना के सॉल्व कर रहा हूँ जी। चलिए बोल रहा है, नीचे दिए गए चित्र में विद्युत आई की क्या होगी, विद्युत धारा आई की मान क्या होगी। देखिए अब बोल रहा है ये मेरा वी है, ये मेरा रजिस्टर 2 ओम है, ये मेरा रजिस्टर 2 ओम है, ये भी 2 ओम, ये भी 2, ऐसा अच्छा सारे क्या है जी 2 ओम है, और इसमें बोल नीचे दिए विद्युत धारा आई की मान क्या होगी, इसमें आई सिंबल नहीं दे रखा है जी। तो मैं ठीक है एक मिनट, क्वेश्चन को आंसर से देख लेते हैं कि आई है कहाँ जी। क्वेश्चन नंबर है 13, 13 का सॉल्यूशन दिया है कि नहीं दिया है, 13 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसने नहीं दे रखा है क्या, 6 2 8, ठीक है जी। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे जो करंट है आई है जी, ठीक है जी, यहाँ पे करंट आई है, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से करंट निकालिए। चलिए जी हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास ये रजिस्टर, हम सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट पूरा लगा कर इसको क्या करेंगे जी, पहले रजिस्टर निकालते हैं, तो रजिस्टर में देखा जाए तो हमारे पास क्या है जी, ये मेरा वोल्टेज सोर्स है 3 वोल्ट, ये मेरा क्या है जी रजिस्टर, ये मेरा रजिस्टर है, ये मेरा रजिस्टर है, ये मेरा रजिस्टर है, सभी के ओम क्या है जी 2 ओम का, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो बात की जाए अब यहाँ पे सही से देखिएगा जी, क्वेश्चन की जाए बात तो 3 वोल्ट ही रहेगा, ये 2 ओम का है तो 2 ओम रहने दीजिए। अब देखिए ये क्या है, इसके साथ सीरीज में है, तो ये 2 ओम में 2 ओम 2 ओम का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है जी, R1 + R2 + R3, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 2 6, तो ये 6 ओम का रजिस्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे लगा देंगे जी, उसको तीनों को हटाएंगे
और इस तीनों के बराबर क्या देंगे, 6 ओम लगा देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, हमने पैरेलल का कंसेप्ट पढ़ा था, पैरेलल क्या होता है जी, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। देखिए यहाँ पे जिसको भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि सीरीज में है कि पैरेलल में, तो आप जाकर मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें। पिछले 2 लेक्चर में हमने सीरीज और पैरेलल का बात किया था, हमने उसमें न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, तो ये सीरीज में और पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन सिक्स, एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 4/6 वन अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, 3/2 आ जाएगा, 4 ढेर 6, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या मिल गया, इतना मिल गया। अब देखिए हमारा ये सर्किट जो है कैसे कंप्लीट हो गया, ये बोला है कि 3 वोल्ट का है और ये रजिस्टर, दोनों रजिस्टर को हटा के क्या लिखेंगे जी, 3/2 ओम लिखेंगे। 3/2 ओम का एक रजिस्टर है। यहाँ पे करंट की वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ से करंट आ जा रहा है, तो करंट क्या हो जाएगा, अब केवीएल लगा दीजिए। केवीएल क्या सेम से है, प्लस यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे +3 वोल्ट, इसके क्रॉस क्या होता है जी, -3/2 रजिस्टर इंटू आई, क्या हो जाएगा, 0। तो 3 बराबर 3/2 आई कैंसिल, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा जी, 2 एम्पियर। सॉल्व अपने से भी कीजिए, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। आंसर में मेरा डी ऑप्शन सही है, देख लीजिए। तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया जी न्यूमेरिकल। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं जी, किससे पूछे गए हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी से पूछे गए हैं। तो इन सब क्वेश्चन को ध्यान से रखिए और समझिए। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, प्लीज इसको बनाइएगा और अगले लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख लीजिए, इस सब क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़े थोड़े समय के लिए आपको हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है जी, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो मैं इसको मैग्नीफाई कर दे रहा हूँ जी, जूम करने से आपको थोड़ी सी दिख सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, इसको आप कल बनाइएगा जी, क्वेश्चन नंबर 24 आप इसको कल बनाइएगा। अगला क्वेश्चन मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए जी, इसके आंसर सभी आप सॉल्व कीजिएगा। ये क्या जी, पैरेलल में आपको दिखा रखा है और बोला है कि श्रेणी संयोजन बताएं जी, श्रेणी संयोजन क्या है, ये आपको प्रीवियस लेक्चर भी देख लीजिएगा। इस सब के लिए मैं सारे क्वेश्चन को आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा पहले, और उसके बाद मैं अगले लेक्चर में इन सब क्वेश्चन को क्या करूँगा जी, डिस्कस करूँगा। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 47 की, तो क्वेश्चन नंबर 47 आप देख सकते हैं, करंट निकालना है जी। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 47 देख सकते हैं, इतना टाइम दिया गया है, आप इतना टाइम में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कल फिर से मैं इसको क्या करूंगा जी, अगले दिन इसको डिस्कस करूंगा जी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऑप्शन भी दिखाना जरूरी है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैं ऑप्शन भूल गया दिखाने के लिए आपको। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 47 जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करें, अगर प्लेयर से देख रहे हैं तो वीडियो प्लेयर को पॉज कर देंगे, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को भी कर देंगे, और ऑप्शन भी देख लीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा जी। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, मैं अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस सबको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, इसको तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करा दिया हूँ, फिर भी मैं दे रखा हूँ कि थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए, आर इक्विवेलेंट इसमें निकालना था, आर इक्विवेलेंट निकालना था जी। अगला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, इसको सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिएगा। अगला है क्वेश्चन, मैं कल इसको डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं यहाँ से आप, इसको सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि सभी आप लोग सॉल्व करें और इसका सही आंसर लाएं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सॉल्व कीजिएगा, मैं अगले दिन इसको डिस्कस कराऊँगा। ठीक है जी,